हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद देवन। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके एग्ज़ाम में आता है। राजस्थान की भाषा, राजस्थान की जो बोलियाँ हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा या बोली बोली जाती है। तो यदि हम बात करें कि भाषाओं का उल्लेख जो है वह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है, जहाँ पर कुल 22 भाषाएं हैं। तो संविधान लागू होने के समय तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थीं और उसके बाद जो है अब 22 भाषाएं जो है इसमें हैं। तो राजस्थानी भाषा का जो है 8वीं अनुसूची में कोई नाम नहीं है। और राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पर मारवाड़ी सबसे ज़्यादा बोलते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर ढूंढाड़ी भाषा जो है वह बोली जाती है। तो उसके बाद भाषा के बाद बोली, बोली जो है वह अलग है और भाषा जो है वो क्या है, एक विस्तृत रूप है और बोली जो है वह एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, कहावत भी है, दो कोस पर बदले पानी, नौ कोस पर बदले वाणी। यानी कि दो कोस के बाद ही आप देखेंगे तो बोली जो है वह बदल जाती है। भाषा अलग होती है, भाषा एक जो विस्तृत रूप होता है वह होती है और बोली जो होती है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। और देखिए, याद होगा आपको कि हमने देखा था जब हमने गुर्जर प्रतिहार शासक पढ़े थे, तो वहाँ पर वत्स राज का जो दरबारी कवि था उद्योतन सूरी, उसने कुवलयमाला ग्रंथ लिखा था, तो जिसमें राजस्थानी भाषा को मरुभाषा बताया था। तो जहाँ हम बात करें कि 17वीं से 19वीं सदी, इसका समय जो है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो मैंने आपको दे दिया है। तो उसके बाद जो है देखिए, राजस्थानी भाषा से तात्पर्य क्या है, राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। तो इसको अभी हम देखने वाले हैं कि जो भाषा है उसकी उत्पत्ति जो है वो किस तरीके से हुई और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये आप लाइन याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी भी गई है। डॉक्टर मोतीलाल मोनारिया ने राजस्थानी भाषा के विकास को निम्न प्रकार से बताया। तो इन्होंने एक चार्ट जो है वह प्रस्तुत किया और बताया कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। तो सबसे पहले भारत में देखिए आर्य आए थे, तो आर्य जो है वो अपनी भाषा लेके आए थे। तो कहते हैं कि आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, और वैदिक संस्कृत से ही पाली भाषा का उद्भव हुआ और संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ। पाली भाषा जिसे प्राकृत भाषा भी कहते हैं, तो जो वेद वगैरह लिखे गए थे तो वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे और उसके अलावा जो आम जन की जो भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, लोगों को जिसे आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर पाली भाषा से ही उद्भव जो है वो सौर सैनी प्राकृत भाषा का हुआ, मागधी प्राकृत भाषा का हुआ और महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा का हुआ। तो इसी सौर सैनी प्राकृत भाषा से जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश भाषा और सौर सैनी अपभ्रंश भाषा जो है इसका उद्भव हुआ। ठीक है, तो सौर सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ या मिश्रण रूप क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ और कुछ कहते हैं सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। और यहाँ पर ये विचार जो है वो डॉक्टर मोतीलाल मोनारिया के अनुसार है। वो कहते हैं कि गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा का विकास हुआ था। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, गुर्जरी अपभ्रंश से। तो ये कहते हैं मोतीलाल मोनारिया। और हमने जो है वो पहले लाइन पढ़ी थी कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये आप जो है वो जनरल फैक्ट है जिसे आप याद रखें। गुर्जरी अपभ्रंश जो है वो कौन मानते हैं, मोतीलाल मोनारिया मानते हैं, जिन्होंने ये आपने देखा ये चार्ट, और के एम मुंशी। तो ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। वहीं पर एल पी टेस्टिटोरी ये कहते हैं कि सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है।
तो सभी के जो हैं वो अपने अपने मत हैं, तो आपको ये जो मत हैं ये याद रखने हैं। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार और KM मुंशी के अनुसार एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। वहीं पर LP टेस्टिटोरी के अनुसार शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ राजस्थानी भाषा का उद्भव। फिर देखिए नागर अपभ्रंश से ये बात कौन कह रहे हैं, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन कह रहे हैं और पुरुषोत्तम लाल मैनारिया कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है वो नागर अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद देखिए राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ, तो गुर्जर अपभ्रंश जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी, मध्य राजस्थानी जो है वो 16वीं से 18वीं शताब्दी और आधुनिक राजस्थानी जो है वो अब हम देखते हैं वर्तमान में अब तक चला आ रहा है, ठीक है। 17वीं से लेकर और 19वीं जो सदी है ये मानी जाती है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल। तो थोड़ा सा ये याद रखें, 17वीं से लेकर 19वीं सदी में राजस्थानी भाषा का बहुत विकास हुआ, तो इसीलिए राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है 17वीं से 19वीं सदी में। और 17वीं सदी में राजस्थानी भाषा का जो है एक तरीके से ये सोचिए कि स्वतंत्र रूप से विकास जो है वह हो चुका था। और राजस्थानी भाषा को मरुवाणी, मरुभाषा या मारुदेशी भाषा, डिंगल जो है वह भी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक जो कि 1912 में इन्होंने लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें किया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है राजस्थानी शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था अपनी बुक में। उसके बाद इस भाषा का जो अपने ग्रंथ में प्रयोग जो है वो 1912 में किया है किसने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। तो इनकी बुक का नाम भी याद रखें, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, किसकी बुक का नाम है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का। उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया जिसमें से एक मरु भाषा भी है जिसे कि ये राजस्थानी भाषा कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि उद्योतन सूरी जो हैं वह जालौर के जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, वत्सराज इनके दरबारी थे, तो इन्होंने जो है राजस्थानी भाषा का जो है वो वैज्ञानिक जो है वर्णन किया। और इसके अलावा जो है इन्होंने कुवलयमाला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का भी उल्लेख किया जिसमें से एक मरु भाषा है। यहाँ पर देखिए इन्होंने मरु भाषा को मरुवाणी शब्द दिया है, ये याद रखना है, एग्जाम में ये ऐसे ही पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में ही ऐसे पूछा गया है कि उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलयमाला में जिन देसी भाषाओं का वर्णन किया उसमें से एक भाषा है, ठीक है। तो वहां मरुभाषा ना देकर मरुवाणी वर्ड था, तो आप ये याद रखें कि इन्होंने मरुभाषा जो शब्द है उसको मरुवाणी कहा। कवि कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में तथा अबुल फजल ने आईनी अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है। तो पिंगल शिरोमणि के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, कुशल लाभ हैं, और आईने अकबरी के रचनाकार कौन है, अबुल फजल हैं। तो इन्होंने इस क्षेत्र की भाषा को क्या कहा, मारवाड़ी भाषा कहा, ठीक है। कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में और अबुल फजल ने आईने अकबरी में, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखें। और राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है वो शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ, ये आप याद रखेंगे। और एक और GK का क्वेश्चन ही है कि हिंदी भाषा दिवस जो है वो हम 14 सितंबर को मनाते हैं और वहीं पर राजस्थानी भाषा दिवस जो है वह 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखें। राजस्थान भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, तो राजस्थानी भाषा का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं, एक है भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ जो कि वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया 12वीं शताब्दी में, और दूसरा है भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ, एक जैसा ही लग रहा है आपको, ये लिखा शालीभद्र सूरी ने 13वीं शताब्दी में।
तो ये दोनों ही राजस्थानी भाषा के जो हैं वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। और ये भी याद रखिएगा कि देखिए भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ, तो इसका मैंने जो है वो ट्रिक लिखी है, भरत की बाहु बज्र के समान। तो यहाँ पर जो है बाहु शब्द आ गया और यहाँ पर बज्र शब्द आ गया, ठीक है। तो आप ये ऐसे लिंक बैठाकर याद कर सकते हैं और अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। और भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ, तो यहाँ पर शालीभद्र सूरी ने इसे इसकी रचना की थी, भरत की शाल बाहुबली को रास आई। तो यहाँ पर भरत आ गया, बाहुबली आ गया, रास आ गया, ठीक है, और शॉल, ठीक है, तो इससे शालीभद्र आ गया। तो ऐसे आप याद रख पाओगे। तो ये 13वीं शताब्दी में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। तो ट्रिक के माध्यम से ही आप इन दोनों को याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आता है, दोनों के नाम एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये भूल जाएंगे कि वज्रसेन सूरी थे या शालीभद्र सूरी थे, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई थी। तो सबसे पहले देखिए पश्चिमी राजस्थानी, तो पश्चिमी राजस्थानी में जो बोलियां बोली जाती हैं जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी, ये क्या हैं, ये सभी बोली हैं, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल अच्छे से मैप के द्वारा देखेंगे। तो मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी की जो उपबोली है वह मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावटी है, नागौरी है, अजमेरी है, किशनगढ़ी है। तो सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में मारवाड़ी भाषा जो है वह बोली जाती है। तो मारवाड़ी की उपबोलियां ही हैं मेवाड़ी, शेखावटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मध्य पूर्वी राजस्थानी, तो यहाँ पर दूड़ाड़ी और हाड़ोती जो है बोली बोली जाती है। फिर देखिए उत्तर पूर्वी राजस्थानी, तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी वही अलवर, भरतपुर जो है उस साइड, मेवाती और अहिरवाटी जो है वह बोली बोली जाती है। यहाँ पर ब्रज जो है बोली वह भी बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, यहाँ पर मालवी और रांगड़ी जो है वह बोली बोली जाती है। तो मालवी जो है उसी की जो है उपबोलियां हैं दो, रांगड़ी और निमाड़ी। तो मालवी जो है वही मालवा का क्षेत्र जो है वहां पर मालवी जो है वह बोली है और उसकी उपबोलियां हैं रांगड़ी और निमाड़ी। अभी आपको समझ में आ जाएगा। दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी में जो आप देखते हैं निमाड़ी और भीली जो है वह बोली बोली जाती है, ठीक है। तो दक्षिणी राजस्थानी यहाँ पर इन्होंने जो है दो भागों में इसे बांट दिया है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी अलग कर दिया है और दक्षिणी राजस्थानी अलग कर दिया है। लेकिन मालवी जो है उसी की दो उपबोलियां हैं रांगड़ी और निमाड़ी। मुख्य रूप से राजस्थान भाषा को हम दो भागों में बांटते हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा है पूर्वी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाएगी, यहाँ का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल भाषा कहलाता है, ठीक है। तो डिंगल भाषा जो है वह मारवाड़ी मिश्रित भाषा है, इसकी उत्पत्ति जो है वह गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में डिंगल भाषा बोली जाती है, ऐसा आप बोल सकते हो। और यहाँ जो है जितना भी साहित्य मिलेगा आपको तो वो डिंगल भाषा में ही लिखा गया है। तो साहित्य जो है जिसकी भाषा कैसी होती है, गीत होते हैं उसमें ओज है, माधुर्य भाव जो है वो हमें वहां देखने को मिलता है। तो साहित्य जो है वो डिंगल भाषा में ही लिखा गया है। तो डिंगल शैली का जो है वो सबसे पहले प्रयोग मैंने अभी आपको बताया था कि कुशल नाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया। डिंगल भाषा जो है, डिंगल शैली जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग कुशल नाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। उसके अलावा पृथ्वीराज रासो हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो जो हैं, और जो वंश भास्कर है, ये सभी जो हैं ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं, डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। वहीं पर जो दूसरा जो रूप है साहित्यिक रूप पूर्वी राजस्थान में पिंगल कहलाता है। तो पिंगल भाषा जो है वह ब्रज भाषा का मिश्रण है। हम यदि देखें पूर्वी राजस्थान में तो यहाँ पर जो है मेवाती इलाका है, यहाँ पर अलवर भरतपुर साइड में जो है वह ब्रज भाषा जो है वह देखने को मिलेगी। तो इस भाषा में जो है ब्रज भाषा का मिश्रण है और इसकी उत्पत्ति जो है वह सोर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है, और ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें जो है वह देखी जो आपको याद हुई हैं, कि जो डिंगल जो भाषा है इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है
और पिंगल भाषा जो है इसकी उत्पत्ति जो है वह किससे हुई है, इसकी उत्पत्ति सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। तो दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वह किससे हुई है, गुर्जरी सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। चलिए भाषा के बाद देखिए राजस्थान की बोलियां, फिर देखिए राजस्थान की बोलियां। तो राजस्थान की बोलियां में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती जो है यह प्रमुख बोलियां हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा भी हैं बोलियां, जैसे मालवी है, मेवाती है, अहिरवाटी है और ब्रज बोली है। तो मारवाड़ी जो है जो कि एक कर्ण प्रिय जो है वह बोली कहलाती है, जोधपुर में सबसे ज्यादा बोली जाती है मारवाड़ी। तो मारवाड़ क्षेत्र में देखिए जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, नागौर, सिरोही, जालौर ये क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर मारवाड़ी जो है वही ही बोली बोली जाती है। यहाँ पर बोलियों जो है भाषा जो है इसका चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग मैप जरूर याद करिएगा कि कौन सा जिला जो है वह कहाँ है, कौन सा क्षेत्र कहाँ है, ठीक है, तभी आप जो है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे। और जो मारवाड़ी जो है ये बोली जो है वो सबसे ज़्यादा जोधपुर के आसपास सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कई ग्रंथ जो हैं वह मारवाड़ के, जैसे कि बेली कृष्ण रुक्मणी री वचेनिका है, ढूला मारू है, रजियारा सोरठा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मारवाड़ी में स को जो है वो हा जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है, सा जो है इसको हा बोलते हैं, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी बोली जो है वो यही कहलाती है मारवाड़ी। तो इसकी भी कई उपबोलियां हैं वो हम अभी देखेंगे। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जो है वह कहाँ बोली जाती है, इसे जयपुरी जो है बोली वह भी बोलते हैं, पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी जो है बोली बोली जाती है। और ये जो है जयपुर, अजमेर, सवाई माधवपुर, इसके अलावा जो है दौसा, यहाँ पर जो है ये बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी में हमको जो है वो छह शब्द जो है वो ज़्यादा मिलेगा, छह छह जो है ये ज़्यादा बोलते हैं। हाड़ौती जो है दक्षिणी राजस्थान में हम देखते हैं हाड़ौती है, और दक्षिणी राजस्थान के पास में ही गुजरात है। तो हाड़ौती जो बोली है इसमें मारवाड़ी और गुजराती दोनों का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ये बोली जो है वह सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और सबसे कठिन बोली जो है यही मानी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम मैप के द्वारा, तो यहाँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में जो है कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो जोधपुर में मारवाड़ी बोली सबसे शुद्ध रूप में बोली जाती है। इसके अलावा मारवाड़ी की जो है उपबोलियां हैं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर उपबोलियां जो हैं वो मेवाड़ी है, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, मेवाड़ी है, बागड़ी है, सेखावटी है, थली है, नागौरी है, देवड़ावाटी है, गोड़वाड़ी है, खेराड़ी है, अजमेरी है, किशनगढ़ी है। इतने अच्छे तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो मेवाड़ जो है वह कहाँ पर है, देखिए मेवाड़ जो है वह यहाँ पर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, तो यहाँ पर जो है वो मेवाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। उपबोली किसकी है, ये मारवाड़ की ही है, ये उपबोली मारवाड़ की ही है, ठीक है, मेवाड़ी। तो यहाँ पर जो है इस इलाके में जो है वो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। एग्जाम में यदि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, मान लीजिए वहां पर जो है मेवाड़ी शब्द ना हो, मेवाड़ी बोली ना हो ऑप्शन में, वहां पर डायरेक्ट हो मारवाड़ी, तो आप वहां पर मारवाड़ी जो है उसे टिक करेंगे, ठीक है। और यदि मारवाड़ी नहीं होता है तो होगा मेवाड़ी, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए बागड़ी, बागड़ी जो है वो कहाँ बोली जाती है, ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो इलाका है यहाँ पर बोली जाती है बागड़ी बोली, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टकट मैंने लिख दिया है, डी से डूंगरपुर और बी से बांसवाड़ा। सेखावटी, सेखावटी क्षेत्र में कौन आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो सेखावटी बोली बोली जाती है। और ये सभी जो है मारवाड़ की जो है मारवाड़ी बोली की ही उपबोलियां हैं। थली जो है वह कहाँ बोली जाती है, थली जो है वह बोली जाती है यहाँ पर बीकानेर में बोली जाती है, ठीक है। नागौरी, नागौरी तो नाम से ही याद रखना है, नागौर में बोली जाती है, और नागौर कहाँ है, नागौर यहाँ पर है। देवड़ावाटी जो है वह
सिरोही में बोली जाती है और सिरोही आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा गोड़वाड़ी जो है वो जालौर और पाली में बोली जाती है। तो जालौर देखिए, ये क्षेत्र जालौर है, ये क्षेत्र पाली है, तो इस क्षेत्र में जो है वह कौन सी बोली बोली जाती है? गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है, और जो किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बारीक तरीके से इनको याद रखना है। फिर देखिए, खेराड़ी जो है वह शाहपुरा में बोली जाती है। तो यहाँ पर जो भीलवाड़ा है, यहाँ पर आपको शाहपुरा जो है वह मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पर खेराड़ी बोली जो है वह बोली जाती है। अजमेर जो है, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? अजमेर में जो है वह बोली जाती है अजमेरी। और किशनगढ़ी जो है वह किशनगढ़ में बोली जाती है। तो ये सभी उपबोलियां जो है वो मारवाड़ी बोली की ही उपबोली है। दूसरा देखिए, डूंड़ाड़ी बोली। अब डूंड़ाड़ी बोली जो है वह कहाँ बोली जाती है? मैंने आपको बताया कि जो जयपुर है और अजमेर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर डूंड़ाड़ी बोली जो है वह बोली जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चार्ट में देखिए कि मान लीजिए कि ये जयपुर है, तो यहाँ पर डूंड़ाड़ी की जो उपबोलियाँ हैं वो कैसे आप याद रखोगे? कि जयपुर के जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर तोरावाटी जो है वह बोली बोली जाती है। तो जयपुर के उत्तर में क्या है? सीकर है। तो यहाँ सीकर का जो दक्षिणी भाग है वहाँ तोरावाटी बोली बोली जाती है। जयपुर का जो पूर्वी भाग है वहाँ राजावाटी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर आपको दौसा का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर राजावाटी बोली सुनने को मिलेगी। उसके बाद जयपुर का जो पूर्वी दक्षिणी भाग है यहाँ पर नागरचोल बोली बोली जाती है। और जयपुर का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर काठेड़ी बोली बोली जाती है। टोंक जो जिला है वो यहीं पर पड़ता है, तो टोंक का जो उत्तरी भाग है वहां पर आपको काठेड़ी बोली जो है वह मिलेगी। फिर देखिए चौरासी। चौरासी जो है जयपुर का जो पश्चिमी भाग है, जहां आपको नागौर का तो मिलेगा पूर्वी भाग, ठीक है, और जयपुर का पश्चिमी भाग, यहां पर आपको चौरासी बोली जो है वह मिलेगी। इसको याद रखने से पहले आप जो है वो मैप सामने रखिएगा और मैप के द्वारा आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है नागरचौल बोली के बारे में, राजावाटी बोली के बारे में। ठीक है, तो ये सभी किसकी हैं? डूंड़ाड़ी बोली की ही उपबोलियां हैं। उसके बाद देखिए अहीरवाटी बोली। तो अहीरवाटी बोली जो है इसको हम राठी बोल जो बोली है वह भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये जो बोली है ये अलवर हो गया, और इसमें जो है जयपुर, थोड़ा सा जयपुर का पूर्वी भाग हो गया, इसके अलावा जो है हरियाणा, यहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ पर जो है हरियाणवी और मेवाती जो बोली है इसका टच भी है अहिरवाटी बोली में। फिर देखिए मेवाती बोली। मेवाती बोली तो अलवर भरतपुर की जो है वह प्रसिद्ध बोली है। इस बोली पर जो है वो ब्रजभाषा का प्रभाव जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो है अलवर भरतपुर और यूपी यानी मथुरा में जो है ये बोली बोली जाती है। फिर देखिए हाड़ोती बोली। हाड़ोती बोली हाड़ोती क्षेत्र में बोली जाती है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। उसके बाद देखिए मालवी बोली। तो जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर मालवी बोली बोली जाती है। और इस बोली पर किसका प्रभाव है? एक तो यहाँ पर डूंड़ाड़ी बोली का प्रभाव है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी बोली का भी प्रभाव है। दक्षिण की तरफ हम देखें तो इसमें गुजराती मराठी जो है उस भाषा का भी यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा कर्णप्रिय बोली इसको कहा जाता है, क्योंकि ये कानों को बहुत प्रिय है। ये बोली बहुत ही मीठी मधुर बोली ये कहलाती है। ठीक है, इसे कर्णप्रिय बोली भी कहा जाता है। इस बोली की जो उपबोलियां हैं रांगड़ी है और नीमाड़ी है। तो नीमाड़ी जो है इसको दक्षिणी राजस्थानी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, रांगड़ी जो है ये जो है मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। तो यहाँ पर मैप के द्वारा जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब हम इसको बिल्कुल नोट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने मारवाड़ी बोली देखी, तो ये जो है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जालौर, नागौर और सिरोही में बोली जाती है। इसका साहित्यिक रूप जो है वो डिंगल कहलाता है। ठीक है, अब आपको याद आया होगा डिंगल भाषा, जिसमें सबसे ज़्यादा साहित्य की रचना जो है इसी भाषा में हुई है। जैन साहित्य मीरा के अधिकांश पद राजीय रासोठा, बेली कृष्ण रुक्मणी री, डोला मारवण, मूमल, ये सभी रचनाएं जो हैं वो मारवाड़ी भाषा में ही रचित हैं। शुद्ध मारवाड़ी जो है वह जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है।
ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा डिंगल शैली की भी चार उपशैलियां हैं। इतना डीप में जाकर आप नहीं पढ़ें, क्योंकि इसकी जो उपशैलियां हैं, चारण शैली, संत शैली, जैन शैली, लौकिक शैली, तो ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। फिर देखिए, मारवाड़ी बोली जो है, उसकी उपबोलियां कौन सी हैं। हमने अभी चार्ट में देखा, मैप में देखा, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ढटकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, ये सभी उपबोलियां हैं किसकी, मारवाड़ी की। ठीक है, बागड़ी जो है, बागड़ी जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ क्षेत्र कहा जाता है, और यदि यहाँ पर बिंदी लगाते तो वो हो जाएगा बांगड़ी। तो अब जो है वह कहानी बिल्कुल बदल गई। तो शेखावटी क्षेत्र है, उसको कहते हैं बांगड़ क्षेत्र। ठीक है, वहीं पर बागड़ी जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है क्षेत्र है, यहाँ पर ये बोली बोली जाती है। तो चलिए, इसकी उपबोलियां जो हैं उनकी भी दो दो तीन तीन लाइनें हैं, इनको भी याद रखें। मेवाड़ी जो है उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में ये बोली बोली जाती है। राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, विजय स्तंभ प्रशस्ति, इसमें मेवाड़ी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, बागड़ी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर बागड़ी जो है बोली बोली जाती है। इस पर गुजरात का प्रभाव दिखाई देता है। गियर्सन ने इसे भीली बोली भी कहा है। तो ये एक फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि जो बागड़ी बोली है इसे गियर्सन ने क्या कहा, इसे इन्होंने भीली बोली कहा, क्योंकि गियर्सन के अनुसार ये जो है भीलों की प्रमुख बोली है, तो इसीलिए इन्होंने जो है इसे भीली बोली कहा। और इस बोली में जो है चै छै, इसको जो है वो स बोला जाता है बांगड़ी बोली में। फिर देखिए देवड़ावाटी, तो देवड़ावाटी जो है जो आबू सिरोही में ये जो है बोली बोली जाती है। फोर्थ नंबर पर देखिए गोड़वाड़ी, तो गोड़वाड़ प्रदेश कौन सा है, बाड़मेर और जालौर जो है वहां पर जो है गोड़वाड़ी जो बोली बोली जाती है। जालौर की आहोर तहसील से पाली के बाली तक जो है ये बोली बोलते हैं। बीसल देव रासो जो है इसी बोली की रचना है। ठीक है, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो जो है वह किसका ग्रंथ है, नरपति नाल का ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ में जो बोली है वह कौन सी है, गोड़वाड़ी बोली जो है इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डूंडाड़ी बोली, तो डूंडाड़ी बोली इसकी भी कई उपबोलियां हैं। डूंडाड़ी जो है वो कहाँ बोली जाती है, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, अजमेर के जो पूर्वी भाग में ये बोली बोली जाती है, और इस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का जो है वो प्रभाव दिखाई देता है। संत दादू दयाल और इनके शिष्यों की जो रचनाएं हैं वो इसी डूंडाड़ी जो है बोली जो है इसमें लिखी गई है। डूंडाड़ी का बोली के रूप में जो प्रयोग जो है वो सबसे प्राचीनतम, यानी सबसे पहले जो है इस बोली का प्रयोग कहाँ हुआ, इसका उल्लेख 18वीं सदी में, इसका उल्लेख जो है वो 18वीं सदी में आठ देश गुजरी पुस्तक में किया गया। तो ये जो है अलग से फैक्ट है, इसको आप याद रखें। ठीक है, ऐसे ही जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों को लग रहा है। एक बार आप मैप लेकर बैठेंगे और उसमें इन चीज़ों को दोहराएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा तो आप ये याद रखिएगा कि किस बोली की उपबोली ये है। उपबोलियाँ देखिए इसकी, डूडाड़ की, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी, हाड़ोती। किशनगढ़ी और अजमेरी तो आप बिल्कुल याद ही रख पाएंगे, किशनगढ़ में, और अजमेरी अजमेर में। ठीक है, और उसके अलावा जयपुर का जो मैंने आपको दिखाया कि जयपुर के उत्तर में जो है वह कौन सी बोली बोली जाती है, तोरावाटी, दक्षिण में जो है काठेड़ी, पूर्वी में जो है वो राजावाटी, और इसके अलावा जो दक्षिण पूर्व है वहाँ पर जो है वो नागरचोल बोली जाती है। ठीक है, और जो पश्चिमी भाग है जयपुर का तो वहां पर जो है चौरासी बोली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तोरावाटी, तोरावाटी जो है झुंझुनू का जो दक्षिणी भाग है, सीकर का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, और जयपुर का उत्तरी भाग, तो यहाँ पर तोरावाटी जो है वह बोली बोली जाती है। राजावाटी जो है वो जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। नागरचोल सवाई माधवपुर का पश्चिमी भाग और टोंक जिले का दक्षिण और पूर्वी भाग में। काठेड़ी जो है वो जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, और चौरासी जो है बोली जयपुर का जो दक्षिण पश्चिम और टोंक का पश्चिमी भाग, वहां पर जो है चौरासी बोली बोली जाती है। ठीक है, फिर देखें हाड़ोती बोली, तो ये भी एक प्रमुख बोली है, और कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र जो है यहाँ बोली जाती है। डूड़ाड़ी की ये उपबोली है।
तो ये एक लाइन जो है और भी याद रखिए, ठीक है, कि जो हाड़ोती बोली जो है वह ढूंढाड़ी की उपबोली है और सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं जो है वो इसी बोली में लिखे गए हैं। हाड़ोती का भाषा के अर्थ में प्रयोग जो है वो सबसे पहले केलॉग की हिंदी ग्रामर जो 1875 में उन्होंने लिखी थी इसमें किया गया था, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए मेवाती बोली, तो मेवाती बोली जो है वो मेवा क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर भरतपुर में। यहाँ पर मेव जाति जो है वो सबसे ज्यादा मिलेगी, तो इस वजह से यहाँ पर जो है मेवाती बोली बोलते हैं। ये जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, यानी हम यदि ये बॉर्डर देखें तो यहाँ यूपी है, यूपी का जो पश्चिमी भाग जो है यहाँ पर, अगर यहाँ देखते हैं हम हिंदी भाषा ही बोली जाती है, ठीक है, और राजस्थानी भाषा, तो इसके बीच में जो है ये सेतु का कार्य करती है। लाल दासी और चरण दासी संप्रदायों का जो साहित्य है वो मेवाती बोली में ही लिखा गया है। ब्रज भाषा का प्रभाव जो है वो मेवाती बोली पर दिखाई देता है। अहीरवाटी बोली, इसको राठी जो है वह बोली भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो हरियाणा जो है वह टच है, तो इस वजह से हरियाणवी बोली का प्रभाव जो है इस पर बहुत अधिक दिखाई देता है, ठीक है, अहीरवाटी बोली पर। आभीर जाति का क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र जो है अहीरवाटी कहलाया जाने लगा, यह क्षेत्र जो है राठ भी कहलाता है, अतः बोली जो है वह राठी भी कहलाती है। जोधराज का हमीर रासो, शंकर राव का भीम बिलास, अली बख्शी ख्याल, लोक नाट्य जो है वो इसी बोली में लिखे गए हैं। अलवर की बहरोड़ और मुंडावर तहसील में, जयपुर की कोटपुतली का उत्तरी भाग में, और हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक, दिल्ली का दक्षिणी भाग में ये बोली बोली जाती है। तो इतना जो है आपसे नहीं पूछेगा यहाँ, ठीक है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या याद रखनी है आपको अहीरवाटी बोली में, यहाँ आपको ये याद रखनी है कि अहीरवाटी बोली को जो है राठी बोली यह भी कहा जाता है, और यह अलवर, जयपुर, ठीक है, गुड़गांव, हरियाणा, यहाँ पर जो है ये बोली बोली जाती है। फिर देखें खेराड़ी बोली, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में खेराड़ी बोली बोली जाती है, इतना ही आप याद रखिएगा, ठीक है, और इस पर जो है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ोती जो है इन तीनों का मिश्रण जो है ये खेराड़ी बोली है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा खेराड़ी बोली जो है वह कहाँ बोली जाती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। किसकी उपबोली है ये, मारवाड़ी बोली की ही उपबोली है। मालवी बोली, मालवी बोली मालवा क्षेत्र में, तो यहाँ कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ में ये बोली बोलते हैं। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी की विशेषताएं जो हैं वो मारवाड़ी बोली में हमें मिलती है। कर्णप्रिय बोली है, बहुत कोमल भाषा है, कौन सी, मालवी बोली। और मालवी बोली की जो उपबोलियां हैं हमने देखा रांगड़ी है और निमाड़ी है, तो रांगड़ी जो है जिस पर मालवी और मारवाड़ी का जो है वो मिश्रण दिखाई देता है, ये कर्कश बोली है और मालवा के राजपूतों में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन सी, रांगड़ी बोली। तो यहाँ पर एक शब्द है देखिए कर्कश बोली, अब कर्कश बोली का क्या अर्थ होता है, ऐसी बोली जो किसी को पसंद नहीं आए, ठीक है, जैसे कौवा जो होता है उसकी बोली जो वो बोलता है जैसे काव काव करता है तो ज्यादा करता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो रांगड़ी बोली जो है ये एक कर्कश बोली है, ठीक है, और मालवा के राजपूतों में ये प्रचलित है। वहीं पर निमाड़ी जिसे दक्षिणी राजस्थानी जो है बोली भी कहा जाता है, मालवी की ये उपबोली है और इस पर गुजराती और भीली का प्रभाव है। अब यहाँ पर रांगड़ी जो है वह तो कर्कश बोली है, वहीं पर ये किसकी उपबोली है, मालवी की, ठीक है, और वहीं पर मालवी बोली जो है वह एक मधुर मीठी बोली है, थोड़ा सा ये याद रखें। फिर देखिए शेखावटी बोली, तो ये शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, और ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। वहीं पर ब्रज बोली जो है वह भरतपुर, धौलपुर और अलवर में बोली जाती है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे कि सारी जो जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा वो सभी हमें याद आ सके। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो सौर सैनी की गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है, आपको याद हो गया। दूसरा, गुर्जरी अपभ्रंश से कौन मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया मानते हैं, के एम मुंशी मानते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश से कौन मानते हैं, एलपी टेस्टिटोरी, ठीक है, तो ऐसे बार बार बोलिएगा, सौर सैनी अपभ्रंश से कौन मानते हैं, एलपी टेस्टिटोरी। वहीं पर नागर अपभ्रंश जो है
उससे कौन मानते हैं? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने तो राजस्थानी भाषा का जो प्रयोग जो है, शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने ग्रंथ में किया था, ठीक है, 1912 ईस्वी में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। और मैंने आपको बताया कि जो 17वीं से 19वीं सदी जो है, ये राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की बुक का नाम याद रखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। वहीं पर राजस्थानी भाषा का जो है, 18 देसी भाषाओं का वर्णन जो है, वह उद्धोतन सूरी ने अपनी ग्रंथ जो है कुवलयमाला यहाँ किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें एक जो है भाषा है मरुभाषा, इसी मरुभाषा को उन्होंने मरुवाणी कहा, ठीक है, तो इतना आप याद रखें। और उसके बाद हमने जो है दो प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं राजस्थानी भाषा के वो याद किए, भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ जो ब्रजसेन सूरी ने लिखा था, भरत की बाहु ब्रज के समान, भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ तो वो शालीभद्र सूरी ने लिखा था, जिसमें हमने ट्रिक लगाई थी, भरत की शाल बाहुबली को रास आई। बार बार बोलेंगे आपको याद आ जाएगा। और ये ग्रंथों के बारे में जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। वहीं पर हमने देखा कि जो राजस्थानी भाषा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, और एक जो है पश्चिमी राजस्थानी है, दूसरा पूर्वी राजस्थानी है। तो यहाँ पश्चिमी राजस्थानी जो है इसको डिंगल भाषा भी कहते हैं, और पूर्वी को पिंगल भी कहते हैं, ठीक है, और पूर्वी को पिंगल कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने राजस्थानी बोलियों की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से राजस्थान में मारवाड़ी जो है वह बोली जाती है, उसकी उपबोलियां मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, खेराड़ी, अजमेरी, थली, नागौरी, देवड़ावाटी, ठीक है। और वहीं पर शेखावटी बोली है, तो शेखावटी बोली मारवाड़ी जो है उसकी उपबोली भी है। ढूंढाड़ी बोली जो है, तो ढूंढाड़ी बोली उसकी जो उपबोली तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासी, तो ये बहुत अच्छे से नाम है ढूंढाड़ी बोली के, तो आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादातर जो है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, इन तीनों के बारे में पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अहिरवाटी बोली है, मेवाती बोली है, ब्रज बोली है, हाड़ोती बोली है, मालवी बोली है। मालवी बोली जिसको बहुत अच्छी बोली कहा जाता है, मीठी बोली कहा जाता है। वहीं पर जो उसकी उपबोली है कौन सी, रांगड़ी, उसको कैसी बोली बोला जाता है, कर्कश बोली जो है वह बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी जो निमाड़ी है जिसे राजस्थानी बोली कहा जाता है। तो इतना जो है वो आप याद रखें, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है वो आता ही है, हर बार आता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम इसका दूसरा जो टॉपिक है राजस्थानी भाषा के बाद जो है वो हमें राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।